भाई फिलहाल ना आज अपने को ना तो ट्रांसपोर्ट पे जाना है ना अपने सो भाई फिलहाल अपना काम हो चुका है, देख रहे हो इस तरह ऑफिस में, और फिर उसके बाद भाई कई बार ना आप यू नो एकदम सर्टेनली कुछ डिसीजन लेते हो ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, फिलहाल अभी चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का दिन। क्यों होने वाला है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई समथिंग शुड बी केप्ट सीरियस, आई मीन सरप्राइज सरप्राइज। तो अभी वो सरप्राइज अवेट कर रहा है आपके लिए। भाई फिलहाल ना आज अपने को ना तो ट्रांसपोर्ट पे जाना है ना अपने को यू नो कहीं और जाना है कुरियर वाले भैया के पास, बट अपने को एक जगह जाना है, वहां से ना यार अपना कुछ स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ आइटम्स आते हैं, तो वो एक हमारे खत्म हो रहे हैं, अभी रास्ते में ही पड़ता है उनका भी, है ना। ऑल्दो उनकी जो फैक्ट्री है वो तो दूर है, दिल्ली में है, बट मैंने उनसे बोल दिया था, मैंने कहा भैया यार अपना अपने घर पर ले आना, उनका घर यहीं पे ही है नियर बाय, तो घर पे ले आएंगे अपने साथ लेके, फिर सीधा चलेंगे फैक्ट्री की तरफ। तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं ना, भैया भी भेज रहे हैं किसी को, तो अभी फिलहाल यहाँ से सामान उठाएंगे और फिर निकलेंगे। सो भाई फिलहाल अपना काम हो चुका है, देख रहे हो इस तरीके के रोल्स वगैरह अपने को चाहिए होते हैं, तो ये लगते हैं यार अपने पास ना, हर कहीं लगते हैं यार, हर ऑफिस में लगते रहते हैं ना। अब ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये नॉर्मल 4x6 का साइज नहीं है, ये 4x7 है, और ये मेरे को ना बाई ऑर्डर ही बनवाने पड़ते हैं, तो इसलिए यार थोड़ा सा यूनिकनेस है। तो अभी फिलहाल सीधा चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। तो भाई अपना ऑफ रोडिंग ट्रैक स्टार्ट हो चुका है ना, चल ही रहे हो, ऑल दो ऑफ रोडिंग हो रही है अपनी, भाई जबरदस्त यार है ना, सुबह सुबह अल्टीमेट फन। ओ ये क्या भाई, फाइनली आज वापस से रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह लग रही है, स्टार्ट हो गई है ना, वो देखो सामने देख रहे हो, ये देखो भाई मशीन वगैरह सेट कर रहे हैं भाई, ये तो कर रहे हैं भाई काम है ना, चलो अच्छी बात है भाई। सो भाई फाइनली यार अभी अपने ऑफिस के नियर बाय पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से चल रहे हैं अपने ऑफिस में, और फिर उसके बाद वापस आते हैं आपके साथ, कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ जी भाई निकल चुके हैं फाइनली अपने ऑफिस से, और बहुत ज्यादा भाई लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट भाई, एक्सट्रीम लेट, मतलब जनरली जितने होते हैं उससे भी ज़्यादा, आज तो भाई बहुत लेट, ऑलमोस्ट आपको बताऊं तो 9:30 का टाइम हो रहा है अभी, तब निकला हूँ है ना, और अभी निकला हूँ तो आप लगा लो अभी मेरे को कम से कम पहुँचने में 45 मिनट्स तो जाएंगे, 40-45 मिनट्स, तो अराउंड अराउंड आप देख लो कि भाई 10 बज जाएंगे भाई, और फिर उसके बाद वापस से कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है, कल वापस से टाइम पे निकलना है, तो भाई बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्टिक चल रहा है। भाई आपको एयर प्रेशर दिखाऊं, ये देखो भाई कल भी 35 था आई थिंक या 36 था ऐसे ही कुछ था भाई, और आज भी ऑलमोस्ट वही है, तो प्रेशर तो मेंटेन्ड है भाई, इसलिए ना अभी कुछ यू नो बनता नहीं है दिखाने का, बाकी अगर आगे कभी कम होता है तो फिर भाई बिल्कुल दिखा लेंगे। भाई कई बार ना आप यू नो एकदम सर्टेनली कुछ डिसीजन लेते हो ना,
और वो राइट हो जाए तो भाई आपको बड़ी खुशी सी मिलती है। तो अभी कुछ ना ऐसा ही हो रहा है, तो अभी मुझे ऐसी कुछ वाइब आ रही है, ऐसी कुछ फील आ रही है कि यार मैंने ना कल अपने को ना बुकिंग करनी थी भाई। कहाँ की? आपको पता ही है यार, है ना, काम जा रहे थे। अगर आप व्लॉग पहले से देखते तो आपको बिल्कुल पता है। तो भाई कल ना अनफॉर्चुनेटली बुकिंग हो नहीं पाई, रीज़न बीइंग कि भाई नेटवर्क इशू आ रहा था, तीन बार फेल्ड हुआ। मैंने कहा यार आज तीन बार फेल हो रहा है, छोड़ देता हूँ, कल करूँगा। और भाई अभी ना कुछ कुछ मतलब वैसे अपने को ना अर्जेंसी से जाना पड़ रहा था बिजनेस के कारण, तो अभी मेरे को ऐसी वाइब आ रही है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई शायद ना जाना पड़े। तो भाई फिर तो अपनी जो ट्रिप होनी है उसी पे ही फोकस करेंगे। फिलहाल अभी ऑफ रोडिंग ट्रैक है तो इसको क्रॉस करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। देख रहे भाई, ये है अपना डेली का ऑफ रोडिंग ट्रैक, मॉर्निंग आवर्स का और इवनिंग आवर्स का। सो भाई फाइनली अपना ऑफ रोडिंग ट्रैक क्लियर हो गया, पार हो गया। और अभी थोड़ा सा आगे आगे भाई ठंड हो रही है भाई, ज़बरदस्त वाली ठंड। और अगर आपको गाड़ी में टेम्परेचर दिखाऊँ ना, 13 डिग्री पे आ चुका है भाई, 13। भाई ये देख लो भाई, 13 डिग्री देख रहे हो भाई, फुल ठंड हो गई है भाई, फुल। भाई जनरली इस वाले रेस्टोरेंट्स वगैरह पे ना काफ़ी ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है, बट आज लेट इतने हैं ना, तो देखो आज कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा। सो जी फाइनली अभी अपने घर के नियर बाय पहुंच चुके हैं, तो अब पहुंचते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो गाइज फाइनली यार अभी घर ना पहुंच चुके हैं, और भाई अपना डिनर वगैरह भी हो चुका है, और अब आपका भाई रेस्ट मोड में आ चुका है। और भाई अभी ना एक्चुअल में यार अभी देखो कन्फर्मेशन तो नहीं हुआ है, बट कल ना पिक्चर एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी, तो कल एग्जैक्टली ना पता चल जाएगा कि अपने को मुंबई जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा। इन केस अगर जाना पड़ा तो बहुत अर्जेंटली इसी वीक में ही निकलना पड़ेगा, इन केस अगर नहीं जाना हुआ तब तो फिर वेल एंड गुड है, फिर अपना हिमाचल वाला ट्रिप कन्फर्म है। बट टिल देन थोड़ा सस्पेंस है, और वो मुझे जेन्युइनली मेरे को भी नहीं पता यार, है ना, तो वो कल ही एग्जैक्टली क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अभी ये था कि भाई आज भी काफ़ी ज़्यादा हसल था, काफ़ी ज़्यादा डिले वगैरह हो गया है ना अभी निकलने में। अदरवाइज़ भाई जल्दी निकलते तो यार एक दो चीज़ें और थी, वो भी अभी एक्सप्लोर करनी थी, मतलब कि कुछ और भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रिप, कुछ भी करना है तो भाई देखो प्री प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एकदम से कुछ तो होता नहीं है। तो भाई वही सब प्री प्लान वगैरह करना था, वही सब चीज़ें चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली डिले होने की वजह से, लेट होने की वजह से अभी चीज़ें थोड़ा सा पेंडिंग हो रही हैं, बट डेफिनेटली वन डे, नॉट टुडे बट वन डे। तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए जो बात है ना वो ये है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि यार इस वाले ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड कर दिया जाए, क्योंकि भाई देखो अभी ना इट्स टाइम फॉर द रेस्ट। और अभी इसके बाद भी यार मेरे को एडिटिंग करनी है, थंबनेल डालना, टाइटल डालना, पूरा काम बाकी है। और उसी के साथ कुछ एक छोटा मोटा ना और अपना भी यार ऑफिशियल एक छोटी सी 2-3 मेल का ना रिप्लाई करना है अर्जेंटली, तो वो एक करेंगे। और फिर उसके बाद आपका भाई जाएगा स्लीप, है ना। तो फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पे अगर नए हो गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलता हूँ दोबारा आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन कीपिंग योर लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी, जल्दी से जाके फॉलो कर लो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं।